हेलो स्टूडेंट्स दिस हेतल भंडारी फ्रॉम एचआर इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर ऑफ़ गुजराती दैट इज़ उखाना ऑफ स्टैंडर्ड सिक्स अब बेसिकली उखाना मतलब होता क्या उखाना मतलब पज़ल्स रिडल्स मतलब जिसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बोला गया होगा जिससे अपन वो पर्टिकुलर क्लू निकाल सकते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं कोई एक चीज़ के बारे में वो अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स देंगे उनके बारे में कुछ बोलेंगे एंड अपन को अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है कि वो किस चीज़ के बारे में बोलेंगे ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके बारे में वो लोग बोल रहे हैं तो ऐसे कुछ एट उखान दिए हुए हैं इसके इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर फिफ्थ के अंदर तो अपन एक एक उखाना मैं रीड करूँगी एंड एक्सप्लेन करूँगी ठीक है सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट उखाना दैट इज़ सवारे आवे सांझे जाए कोई न जाने क्या संताएं सवारे आवे सांझे जाए ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुबह आती है और शाम को चली जाती है सन ऑब्वियसली जो सुबह आती है और शाम को चली जाती है और पता नहीं किधर जाके छुपती है किसी को पता है किधर नहीं खाली दिखती है मार्के माउंटेन्स के पीछे जा रहे हैं पर किधर जाके एग्जैक्टली रहती है पता नहीं तो सुबह आती है शाम को जाती है और पता नहीं किधर चुपती है वो कौन सी चीज है सन सूर्य ओके सनिंग विद सेकेंड एक पान बीजू पान पान ने अंदर पान लीला धोदा पान दड़ा शूछे मारू नाम क्या बोला है कि एक पत्ता है उसके अंदर दूसरा पत्ता अंदर ही अंदर पत्ते ही पत्ते भरे हुए हैं पत्ते मीन्स लीव्स तो एक के अंदर एक लीव्स भरे हुए हैं ग्रीन कलर के वाइट कलर हल्का सा लाइट वाइट कलर भी मिक्स इन्वॉल्व है ऐसे पानड़े ऐसे मतलब ऐसे लीव्स है मेरे मैं क्या हूँ ऐसा कौन सा वेजिटेबल है जो है ना पूरा लीव से भरा हुआ है मतलब पूरा पत्ता 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 भरा हुआ है पत्ता गोभी ठीक है उसका नाम ही हिंदी में पत्ता गोभी बोला हुआ है गोभी ठीक है एक पान बीजू पान पानी अंदर पान पूरा पत्ते से भरा हुआ पूरा पूरे पत्ते ही है उसके अंदर ग्रीन एंड वाइट लीला धोड़ा पान दड़ा सूचे मारू नाम तो वो क्या हो गया गोभी क्या हो गया गोभी सो कंटिन्यूइंग विद द थर्ड पजल दैट इज रीडल सगा भाई अड़ अड़ कहता अड़े नहीं अडिश्मा अड़िश्मा कहे तो अड़े मतलब क्या बोला है बेसगब है मतलब एक साथ रहने वाली दो चीज जो अगर तुम बोलोगे अड़ अड़ तो टच नहीं करेंगे लेकिन जैसे बोलेंगे अड़ना मत अड़ना मत तो तुरंत टच करेंगे मतलब क्या हुआ होठ होठ मतलब लिप्स अगर तुम बोलोगे ना अड़ अड़ तो उसमें लिप्स एक दूसरे को टच नहीं करती है पर अडिश्मा अडिश्मा मतलब मत टच करना अडिश्मा अडिश्मा तो तुरंत टच करेगी अडिश्मा बोलने में तुरंत एक दूसरे को टच करेंगे क्लियर तो ये क्या चीज हो गई ये कौन ये पजल का आंसर क्या हो गया होठ ठीक है नेक्स्ट पजल शरीर नहीं पन जन्मे खरी मो नहीं पन करे आवाज जन्मी एवी झट मरे चतुर करो विचार शरीर नहीं पन जन्मे खरी मो नहीं पन करे आवाज़ जन्मी एवी झट मरे चतुर करो विचार मतलब ऐसे कौन से कौन से चीज़ें जिसके जिसकी शरीर भी नहीं मतलब बॉडी भी शरीर भी नहीं है जिसका मुंह भी नहीं है तो भी वो आवाज़ करती है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका शरीर भी नहीं है जिसका मुंह भी नहीं है बट वो आवाज़ करती है और जैसे ही जन्म लेती है वैसे ही तुरंत मर जाती है जैसे ही जन्म लेती है और तुरंत मर जाती है अब चतुर बच्चों करो इसका क्या आंसर होगा मतलब ऐसे बहुत चतुर करो विचार मतलब चतुर बच्चों मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट सोचो ये क्या हो सकता है मतलब तो ये क्या हो सकता है चपटी मतलब चपटी का ना कोई शरीर होता है ना कोई मुंह होता है तो भी वो कैसे करती है ऐसे आवाज़ करती है तो चपटी आवाज़ करती है ना उसका कोई शरीर है ना उसका मुंह मुँह है तो भी वो आवाज़ करती है अब तीसरी लाइन क्या बोली थी जैसे ही जन्म लेती है वैसे मर जाती है मतलब क्या शुरू होते से ख़त्म हो जाती है ऐसे चपटी बजाई और जैसे उसने तो चपटी बजाना शुरू किया जन्म लिया एंड चपटी खत्म हुई तो मर गया तो क्या बोलते जन्म लेती है तुरंत मर जाती है तो ये चीज क्या है बताओ तो ये चीज क्या है चपटी क्या है चपटी मतलब हाथ से आवाज करना ओके आम जाओ तेम जाओ ज्या जाओ, जाओ त्या साथे जाओ नानो थाओ मोटो थाउ ऊँगी जाओ तो संताई जाओ मतलब क्या बोला है कि क्या बोला आम मतलब मैं किधर भी जाता हूँ तो अपन किधर भी जाते तो अपने साथ चलता है वो अपन किधर भी जाते तो अपने साथ चलता है वो कभी छोटा दिखता है कभी बड़ा दिखता है एंड सो जाते हैं तो छुप जाता है तो ऐसे क्या चीज़ हो सकती है शेडो परचाई ठीक है तो किधर भी अपन जाते अपना परछाई अपने साथ चलती है किधर भी अपने जाते हैं अपना शेडो अपने साथ चलता है सनलाइट के हिसाब से कभी बड़ा दिखता है कभी छोटा दिखता है एंड जैसे ही अपना सो जाते हो तो अपना शेडो कभी नहीं दिखता है तो क्या बोले आम जाओ तेम जाओ ज्या जाओ त्या, त्या साथ जाओ नानो थाओ मोटो थाओ उंगी जाओ तो संताई जाओ मतलब किधर भी जाओ इधर जाओ उधर जाओ हर जगह साथ चलता है कभी छोटा कभी बड़ा एंड सो जाओ तो छुप जाता है तो वो क्या आया पर्चा ओके सो कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट रहे वृक्ष पर पन पक्षी नहीं भरेलू छे जड़ पन गड़ो नथी, माथे छे जटा पन जोगी नथी, छे त्रिनेत्र पन शंकर नथी। मतलब क्या बोला है कि वृक्ष पे रहता है वृक्ष पे मतलब झाड़ पे, पेड़ पे रहता है पन पक्षी नहीं है मतलब बर्ड नहीं है पेड़ पे रहता है वो बट बर्ड नहीं है पानी से भरा हुआ है लेकिन पानी का घड़ा नहीं है पानी से भरा हुआ है पर पानी का घड़ा नहीं है माथे से जटापन जोगी नहीं मतलब पूरा बालों से भरा हुआ है पन जोगी नहीं है माथे पे जोगी के माथे पे कैसे जटा होती है तो बोले माथे पे जटा है पन वो जोगी नहीं है छः त्रिनेत्र मतलब तीन आंखें हैं पर शंकर भगवान नहीं है तो ऐसी कौन सी चीज होगी नारियल नारियल झाड़ पे रहता है पूरा बालों से भरा उसको पूरा निकालना पड़ता है चिलकों से तो अंदर का बन मिलता है पानी से भी भरा हुआ है लेकिन गढ़ा नहीं है एंड उसके ऊपर तीन आंखों जैसे स्पॉट्स भी होते हैं तो ये क्या हो गया नारियल क्या हो गया नारियल ओके कंटिन्यूंग विद नेक्स्ट दुनिया आँखें घर आवे काम फटाफट कर तू ज्ञानती शव बारियों खुली एज क्लिक में एकज क्लिक में कर तू तो ये क्या हो सकता है क्या बोला है दुनिया आखी घर में आवे मतलब पूरी वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन अपन को घर पे मिल सकती है काम फटाफट कर तू एकदम स्पीड में काम करता है वो ज्ञानती शो बारियों खुले ज्ञानी शोबारियों खुले मतलब पूरी नॉलेज की इंफॉर्मेशन उधर से मिल सकती है एक कच क्लिक मैं कर तू एक क्लिक किया और अपन को इंफॉर्मेशन मिल गई तो ये क्या हो सकता है कंप्यूटर ये क्या हो सकता है कंप्यूटर कंप्यूटर ज्ञान से भरा हुआ है मतलब अपन को कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता है तुरंत क्विक कैलकुलेशंस करता है क्विक इन्फॉर्मेशन देता है पूरे वर्ल्ड के बारे में नॉलेज देता है इंटरनेट के वायर ठीक है तो ये क्या हो गया कंप्यूटर क्या हो गया कंप्यूटर ओके सो कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट हाले छे पन जीव थी। जीव नहीं हाले छे पन जीव नहीं चाले छे पन पग नहीं हिलता है पन जीव नहीं है जीव हिलते हैं ना यूजुअली जो लिविंग थिंग्स होती वही हिलती है हाले छे पन जीव नहीं जीवे छे पन पग नहीं सॉरी चाले छे पन पग नहीं मतलब चलता है लेकिन पैर नहीं है उसके पास बैठक छे पन बाजक बाजट नहीं मतलब उसके ऊपर बैठ सकते ते लेकिन वो बाजट नहीं बाजट मतलब बैठने का चार पैर वाला होता है ना उसको बाजट बोलते हैं मतलब उसके वो बैठ सकते हैं लेकिन वो बाजट नहीं है खवाए छेपन खुट्टो न थी मतलब क्या खा सकते हैं लेकिन कम नहीं पड़ता कभी भी तो ये क्या होगा झूला क्यों हाले छे वो चलता है पर वो जीव नहीं है वो लिविंग थिंग नहीं है चाले छेपन पग न थी वो चलता है लेकिन उसके पैर का है बैठक चेपन बाजोड़ी मतलब बैठे उसके ऊपर अपन बैठ सकते हैं पर उस वो बाजोड़ नहीं है उसके चार पैर नहीं है बैठने के लिए खवाएं चे अपन खुट तो नहीं कितना भी खाओ कम तो ना पड़ेगा ठीक है खुट तो मतलब कम पड़ना यूजुअली अपन कोई चीज खाते हैं तो वो चीज़ खत्म होने लगती है ना कितना भी खाओ ये खत्म नहीं होता समझ आया तो ये अपन ने कितने आठ इसको गुजराती में झूले को क्या बोलते हैं हिचको क्या बोलते हैं हिचको तो ये अपन ने आठ उखाना पड़े सबसे पहला तो सवारे आवे सांझे जाए कोई न जाने क्या संता है दैट इज सूर्य सूरज भगवान एक पान बीजू पान पानी अंदर पान लीला दौड़ा पान दड़ा शूचे मारू नाम तो कोबीज बे सग्गा भाई अड़अड़ अड़ करता अड़े नहीं अड़िश्मा अड़िश्मा कहे तो अड़े तो एक सूचे जीभ શરીર નહીં પણ જન્મે ખરી મોં નહીં પણ કરે અવાજ જન્મી એવી જટ મરે ચતુર કરો વિચાર ચપટી આમ જાઓ તેમ જાઓ જ્યાં જાઓ ત્યાં સાથે જાઓ નાનો થાવ મોટો થાવ ઊંઘી જાઓ તો સંતાઈ જાઓ તો એ ક્યાં હો ગયા શેડો દેટ ઇઝ પડચાયો રહે વૃક્ષ પર પણ પક્ષી નથી ભરેલું છે જળ પણ ગળો નથી માથે છે જટા પણ જોગી નથી છે ત્રિનેત્ર પણ શંકર નથી તો એ ક્યાં આવગ્યા નાળિયલ दुनिया आखी ही गरमा आवे काम फटाफट करतु ज्ञानी सब बारियो खोली एज क्लिक एकच क्लिक मा करतु ये क्या हो गया कंप्यूटर हाले जे जीव नथी चाले जे पण पग नथी बैठक जे पण बाजोड नथी खवाए जे पण खुटतो नथी तो ये क्या हो गया हिचको सो गुड बाय एवरीवन लैंड दिस लेक्चर बाय दिस चैप्टर विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर गुड बाय एवरीवन Hello students, this is Hetal Bandari from HR Institute. Of